हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोशल स्टडी टीचर। दिस टॉपिक फॉर बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज। लेट्स स्टार्ट। सोशल स्टडी टीचर, द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू बी एन आइडियल पर्सन। ही शुड हैव हाई क्वालिटीज सो दैट ही मे इम्बाइब हाई वैल्यूज ऑफ अलोंग द पीपल्स। In words of Wesley, a social study teacher is the link connecting the community with the school, past with the present, the government with the school, the student with the teacher, and society with education. That means, according to Wesley ने भी यही माना है कि एक social study teacher का link पूरी community के साथ होना चाहिए, स्कूल के साथ कनेक्ट करे वो कम्युनिटी को, पास्ट विद द प्रेजेंट जो पास्ट में हो चुका है और प्रेजेंट में जो हो रहा है उन सब को उसे लिंक करना आना चाहिए, द गवर्नमेंट विद द स्कूल कि जो हमारी शासन प्रणाली जो या सरकार चल रही है उसको कनेक्ट करना चाहिए स्कूल के साथ, कैसे वो फंक्शन करती हैं, ऐसे एग्जाम्पल उन्हें उनकी नॉलेज उन्हें पता होनी चाहिए। द सिटीजन विद द टीचर एंड सोसाइटी विद एजुकेशन, सबको पता है कि टीचर भी क्या है, एक सिटीजन है, एक नागरिक है, और आप लोग सभी एक हम नागरिक होने के नाते जो हमारे कर्तव्य होते हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, और उसका सोसाइटी के साथ और एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है वो सोशल स्टडी टीचर को पता होना चाहिए। क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्टडी टीचर, सामाजिक अध्ययन अध्यापक के जो गुण और विशेषताएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है जनरल क्वालिटीज सामान्य गुण, सेकंड स्पेसिफिक क्वालिटीज विशेष गुण। जनरल क्वालिटीज इंक्लूड इफेक्टिव पर्सनैलिटी, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप एंड डिसिप्लिनर, फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, स्टडियस, टॉलरेंस, हार्ड वर्कर एंड ड्यूटी बॉन्ड, एम्पैथेटिकल एटीट्यूड, स्ट्रेंथनेस एंड ट्रूथ लविंग एक्सप्रेशन पावर, डिवोशन टू हिज ड्यूटी। ये जो क्वालिटीज़ हैं वो जनरल क्वालिटीज़ हैं, जो सामान्य गुण हैं कि इफेक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए उनकी, जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है कि जो नेतृत्व करने का गुण है, जो अनुशासन का गुण है वो उसके अंदर होना चाहिए, फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस कि उसमें विश्वास आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ये धारणा एक टीचर में होनी चाहिए, स्टडियस होने चाहिए बिल्कुल लगातार, ऐसा नहीं कि हमने जो आज प्रेजेंट में हो रहा है जो फ्यूचर में होने की संभावना है ऐसे स्टडी करते रहना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, टॉलरेंस सहिष्णु होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। कई बार क्लास में या किसी के साथ ऐसा सोसाइटी में ऐसा बिहेव निकल कर आता है तो टीचर का बिहेव बिल्कुल टॉलरेंस होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए, उसके बाद उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव थिंक वाला होना चाहिए, फ्रेंकनेस होना चाहिए, ट्रूथ लविंग सच्चाई, जो सामान्य से नॉर्मल गुण जो हम एक पर्सनैलिटी में जूम करते हैं जनरल क्वालिटीज़ होती हैं वो टीचर की भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक क्वालिटीज़, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड एरियाज रिलेटेड टू सोशल स्टडीज़ की सब्जेक्ट कंटेंट जो है सोशल साइंस का या कोई भी टीचर का कंटेंट पर जो कमांड है, जो कमांड ऑफ नॉलेज है, जो कमांड ऑफ सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एरिया रिलेटेड टू सोशल स्टडीज, जो सोशल स्टडीज़ के एरिया हैं, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स जिसे आप पॉलिटिकल साइंस नागरिक शास्त्र मानते हैं, ये सारी चीज़ें करंट्स जो इवेंट्स हैं वो उनकी नॉलेज बिल्कुल इन्हांस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जुड़ा इंगेज रहना चाहिए टीचर का वहाँ पर, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स बिल्कुल करंट अफेयर्स क्या क्या चल रहा है, पॉलिटिकल वी क्या हो सकता है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है किसी करंट अफेयर्स का, सोसाइटी के साथ उसका क्या रिलेशन हो सकता है, क्या उसके चेंजेस हो सकते हैं, स्पेसिफिक क्वालिटीज़ में वो भी इंक्लूड होता है कि करंट अफेयर्स एक जो टीचर है वर्तमान में जो जो क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उसका ज्ञान भी होना चाहिए। सोशली अवेयर एंड एक्टिव, सोशली अवेयर होना चाहिए और बिल्कुल एक्टिव पर्सन होना चाहिए टीचर को, ऐसे नहीं कि समाज में कुछ भी हो रहा है, क्राइम हो रहा है, कुछ अपराध हो रहे हैं मेरे नज़रों के सामने या आपके कोई भी टीचर के सामने ऐसा होते रहे और लेकिन आज का टाइम क्या है उसको बियॉन्ड हमें दूसरा देखने को मिलता है, सब चुप रहते हैं, भीड़ बन तमाशा तमाशबीन बनकर रह गई हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सोशली अवेयर रहना चाहिए कि समाज में क्या क्या है।
क्या चल रहा है, जागरूकता फैलानी चाहिए। नॉलेज अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, सिर्फ सोशल साइंस टीचर को अपने सब्जेक्ट की नहीं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमिक क्या रन कर रही है, बाकी टीचिंग सब्जेक्ट्स में क्या क्या नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, वो भी सब पता होनी चाहिए। क्लियर, नॉलेज ऑफ द एडुकेट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़, कि एक्यूरेट एडुकेट हम कैसे टीचिंग करा सकते हैं सोशल साइंस के, कौन कौन से नए पाथ उसमें जुड़ रहे हैं, क्या क्या एंगेज किया जा रहा है, नई रिसर्च क्या हो रही हैं, वो सारी चीज़ें एक टीचर को पता होनी चाहिए। ये इसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ थी। फंक्शन ऑफ सोशल स्टडी टीचर कैसे काम करती हैं, फर्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ट्रांसमिशन ट्रांसफ़र की जाती है, कंटेंट को डिलीवर किया जाता है, टीचर ऐसे फंक्शन करता है कि जो नॉलेज है वो बच्चों तक वो फैलाते हैं। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, कि जो सिलेक्शन कर रही हूँ मुझे क्या कंटेंट डिलीवर करना है, मेथड ऑफ टीचिंग मेरी क्या होगी, वो ऑलरेडी सेट होनी चाहिए, दिमाग में क्लियर होनी चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। पीपल सेंटर टीचिंग, प्यूपल सेंटर टीचर है आज सबसे पहला जमाना जो था गुरुकुल विद्या का इंसेंट टाइम में, तो हम क्या करते थे, गुरुकुल विद्या है, लेक्चर मेथड से सीखा जाता था, टीचर सेंटर होता था, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं तो अब प्यूपल टीचर सेंटर जो है टीचिंग कराई जाती है। उसके बाद है गाइडेंस टू स्टूडेंट्स, गाइडेंस बिल्कुल निर्देशन का काम उसके हाथ में है, ऐसा फंक्शन करता है कि टाइम टू टाइम हम इंटरेक्ट करते हैं, गाइडेंस देते हैं बच्चों को, तो वो सारी चीज़ें ऐसे फंक्शन कर रही हैं सोशल साइंस टीचर। उसके बाद है लीडिंग द कम्युनिटी, कि हम लीड करते हैं किसी कम्युनिटी को, ऐसे नहीं कि मैं किसी एक जाति विशेष को लीड करती हूँ, बल्कि सोसाइटी जो लीड करने का यहाँ क्या है, टीचर को लीड करना कि मैं एक एज ए ट्रांसफ़र में जो हैं जितने भी सारी क्वालिटीज़ हैं उनको कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम अपने स्टूडेंट में, पीपल टीचर्स को हम कैसे उनकी टेक्निक्स को शार्प कर सकते हैं, उनकी स्किल को मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी स्किल को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, तो क्या है लीड कर रहे हैं हम एक कम्युनिटी को। उसके बाद है डायरेक्टिंग सोशल रिसर्च, बिल्कुल सोशल रिसर्च जितनी होती रहती हैं या पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या कंटेंट की रिसर्च होती रहे या कोई भी सोशल रिसर्च होती रहती हैं तो उस पर ध्यान रहना चाहिए एक सोशल टीचर्स का। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग या रिलेशंस, जो हमारे समाज को बांधने के काम होते हैं, प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन मतलब कि राष्ट्रीय एकीकरण में जो जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, कि भाईचारे की भावना का विकास करें, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने चाहिए, ये सारी चीज़ें आना चाहिए। उसके साथ साथ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन अंडरस्टैंडिंग क्या है कि दूसरे देशों के साथ हमारे क्या संबंध हो सकते हैं, उन सबको भी बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए और उनकी नॉलेज को इन्हांस किया जाना चाहिए। कंक्लूजन है, टू कंक्लूड टू द ऑल राउंड क्वालिटीज ऑफ ए सोशल स्टडीज टीचर वी कैन कोट डॉक्टर ई ए पेराइज, ही हैज़ टू कंसर्न हिमसेल्फ विद द टोटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड नॉट ओनली वन और टू आस्पेक्ट्स, मस्ट बी फ्रेंडली टू हिम एंड हेल्प हिम इन हिज इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ही मस्ट बी हिज गाइड इन हिज मॉरल एंड एस्थेटिक एडवांसमेंट, कि हर चीज़ के साथ वहाँ पर टीचर को वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसमें ऑल अराउंड क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन ज़्यादा बढ़ता रहे और एज ए सोशल साइंस टीचर वो मॉरल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट लाइक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फ्रीडम, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट ये सब करे, तभी टीचर के जनरल क्वालिटीज़ और स्पेसिफिक क्वालिटीज़ को हम इन्हांस किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।